ये हमारी यही है, जब सारी रिपोर्ट आ जाएगी जब ही हम लड़के को यहाँ से ले जाएंगे। और वो ऑर्डर में भी आ गया हमारे पास कि वीडियोग्राफी के साथ ही सारा पोस्टमार्टम होगा और हम उसी पोस्टमार्टम को मानेंगे, बिना वीडियोग्राफी के पोस्टमार्टम को हम मानेंगे भी। एक पट्टी बंधी हुई थी, जब उस पट्टी को हटाया गया तो हमें लगा उसके पट्टी के नीचे टांके होंगे, मगर वो टांके की बजाय वो पूरा पेट खुला हुआ था और पूरा पेट ही उसका आगे का गायब था और उसके अंदर सारी पॉलिथीन वगैरह भरी हुई। ट्राई करेंगे। हाँ, MRI उन्होंने कहा हमारे समझ में नहीं आ रहा है दर्द क्यों है, तो हम इसकी MRI करके बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बता देंगे। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहाँ दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। हाल ही में आपने हमारे चैनल पर एक खबर देखी होगी जिसमें एक 15 वर्षीय लड़की के साथ हिंदूराव अस्पताल ने क्या कुछ किया, उनके ऊपर का इल्ज़ाम लगवाए उनके परिजनों ने। फिलहाल मैं मौजूद हूँ इस वक्त मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर आज उसी लड़की का पोस्टमार्टम होना है। मैं आपको बता दूँ ये पोस्टमार्टम लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा और जो भी आरोप परिजनों ने लगाए हैं क्या वो सच है या नहीं, इसका खुलासा भी आज ही होगा। इस वक्त हम उसी लड़की के परिजनों के साथ मौजूद हैं, एक बार आइए उनसे फिर से एक बार जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार फ़िलहाल उनकी क्या कुछ मांग है। जी, अभी जो है अंदर पोस्टमार्टम चालू होगा, उसके बाद अभी आपका क्या कहना है? जब तक नहीं सब डॉक्टर आ जाएंगे, जब तक नहीं करवाएंगे अभी, जब तक सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे, नहीं आ जा रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक नहीं करवाना, क्रिमेशन नहीं करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? जी, हमारी यही है, जब सारी रिपोर्ट आ जाएगी जब भी हम लड़के को यहाँ से ले जाएंगे। सुबह से 8 बजे का टाइम दिया था पोस्टमार्टम का, अभी तो सुबह से डॉक्टर साहब ही नहीं आए, अभी तो पोस्टमार्टम चालू ही नहीं हुआ है। अब पोस्टमार्टम एक मरतबा आ जाए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में हम करेंगे जो भी करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो है लाइव रिकॉर्ड होगा। जी हाँ, बिल्कुल, उसकी हमने पहले दिन से डिमांड करी है और वो ऑर्डर में भी आ गया हमारे पास कि वीडियोग्राफी के साथ ही सारा पोस्टमार्टम होगा और हम उसी पोस्टमार्टम को मानेंगे, बिना वीडियोग्राफी के पोस्टमार्टम को हम मानेंगे भी नहीं। जी, जो वो चीज़ जिसने देखी थी वो सबसे पहले किसने देखी थी? जब नहीं देखी थी जी, वो ऐसा था जब हम लड़की को वहाँ पर लेके गए थे गुस्ल के लिए और जो औरतें वहाँ पे निला रही थी, तो उसके पेट पे एक पट्टी बंधी हुई थी, जब उस पट्टी को हटाया गया तो हमें लगा उसके पट्टी के नीचे टांके होंगे, मगर वो टांके की बजाय वो पूरा पेट खुला हुआ था और पूरा पेट ही उसका आगे का गायब था और उसके अंदर सारी पॉलीथीन वगैरह भरी हुई थी। तो फिर हमें इस बात का शक हुआ कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ मिसयूज़ हुआ। उसके बाद में हमने 100 नंबर पर कॉल करी, फिर SCP साहब आए। और अस्पताल में भर्ती क्यों करवाया गया था? कुछ एक मामूली सा दर्द हुआ था पेट में, 20 तारीख को उसके पेट में दर्द हुआ था, जो हमें लगा कि थोड़ी बहुत देर में टेबलेट वगैरह से सही हो जाएगा, फिर वो टेबलेट भी दे दी। टेबलेट के बाद भी जब वो सही नहीं हुआ तो 21 तारीख को हम अस्पताल ले गए, ये सोच के कि पता लग जाएगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाएगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो भी हैं। लड़की का मामला था, जवान लड़की थी हमारी, तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया। हम वहाँ पर गए, डॉक्टरों ने बताया कि MRI करेंगे, MRI के बाद में हम एग्जैक्ट रिपोर्ट बताएंगे। पेट में दिक्कत आई है तो वो MRI करेंगे। हाँ, MRI उन्होंने कहा हमारे समझ में नहीं आ रहा है दर्द क्यों है, तो हम इसकी MRI करके बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बता देंगे कि MRI हुआ किस वजह से, वो मतलब दर्द किस वजह से हुआ है। उसके बाद में रिपोर्ट आती है, उन्होंने कहा भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा जी ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन होगा, छोटा ऑपरेशन होगा? बोले नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, लड़की के साइड में एक आँख चिपक गई है, बस हम वो छोटा सा ऑपरेशन करके आँख को छुड़ा देंगे, 2-3 घंटे का मामला है, सब नॉर्मल बात है। तो हमने कहा कोई घबराने वाली बात तो नहीं? बोले नहीं, कोई बात नहीं। 24 तारीख को उसका ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं 12:30 बजे, 12:30 बजे वो ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, 6:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में से लाते हैं, 6 घंटे लंबा ऑपरेशन चलाते हैं, जैसे पता नहीं हार्ट सर्जरी कर रहे थे या क्या कर रहे थे, समझ में नहीं आया हमारे तो इतना लंबा ऑपरेशन कैसे होता है। उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त ही हमने लड़की को देख रखा है, उसके लेके आज तक मतलब 26 जनवरी तक जब तक हमने कंप्लेंट करी है, जब तक हमने उस लड़की को नहीं देखा, ना हमसे मिलने दिया गया, लड़की को ले आके सीधा ICU में शिफ्ट कर दिया। क्या बोला कि ठीक है अभी लड़की ऑपरेशन सक्सेसफुल बताया था? ऑपरेशन सक्सेसफुल बताया था, लेकिन लड़की की हालत थोड़ी गंभीर बताई थी, अभी लड़की जब तक होश में नहीं आ जाती जब तक हालत थोड़ी गंभीर है। जब ICU में गए तो हम मिलने के लिए गए, 2-3 घंटे का हमें टाइम दिया था, 2-3 घंटे बाद हम गए, पहले 2-3 घंटे में लड़की को होश आ जाएगा। जब हम ICU में गए मिलने के लिए तो हमें ICU में भी डॉक्टर ने रोक लिया, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी ICU में आप मत आओ, अगर आप ICU में आओगे, बार बार आओगे तो हम आपको यहीं बांध के बिठा लेंगे। हाँ, और ICU में ऐसे कोई नहीं आता, किसी का अलाउड नहीं। हमने कहा डॉक्टर साहब हम तो पेशेंट को देखने आ रहे हैं अपने। बोले पेशेंट जब आपका होश में आएगा तब हम आपको अपने आप बुला लेंगे। 24 घंटे का टाइम दिया हमें, 24 घंटे हमने वेट कर लिया। 25 तारीख को हम दोबारा गए तो लड़की की हालत सीरियस बताई, कहने लगी कि आप अपने पेशेंट को कहीं और ले जाइए। हमने कहा हम अब इस टाइम पे कहाँ ले जाएंगे, जब लड़की का ऑपरेशन हुआ हुआ है तो आप कहीं रेफ़र कर दो, हम कहीं भी चले जाएंगे लड़की के साथ में, जहाँ पर भी रेफ़र करोगे। बोले नहीं, एक काम करो, एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह मंगवाए कि लड़की की धड़कन कम हो रही है और वो इंजेक्शन लगा के लड़की की धड़कन हम तेज़ कर देंगे। हमने लिया है, 7-7 हज़ार रुपये के वो इंजेक्शन थे, 3 हज़ार रुपये की ब्लड रिपोर्ट थी, एक ब्लड भी मंगाया उन्होंने, खुद ही मंगाया।
वो भी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में 26 तारीख को सुबह 9 बजे ये लोग कहते हैं कि वो लड़की मर गई। अच्छा। हाँ, और यूँ कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ, अगर 10 मिनट के अंदर इस लड़की को यहाँ से नहीं लेके गए तो हम मोर्चरी में शिफ्ट कर देंगे, फिर आपको 20-25 दिन बाद लड़की मिलेगी। हाँ, सिर्फ एक टाइमलाइन के हिसाब से 10 मिनट दिए गए थे, बस 10 मिनट में ले जा गए। हाँ, 10 मिनट में खुद उन्होंने वो कोरोना वायरस का जो थैला होता है उसके अंदर लड़की को शिफ्ट करा, चेन लगाई, खुद ही एम्बुलेंस में शिफ्ट करा, एम्बुलेंस फटाफट वहाँ से रवाना कर दी। हम लिया है, हम जब तक हमें कोई शक नहीं था, हमें लगा कि होगा कुछ इमरजेंसी, कुछ स्टाफ की प्रॉब्लम होगी, बेड की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इतनी जल्दी जल्दी कराए। लेकिन जब आके औरतों ने उस लड़की की पट्टी हटाई और जब उसका पेट खुला हुआ मिला, तब औरतों ने वहाँ पे चीखें मारी हैं। औरतें चीखें मारती हुई बाहर आईं, रोती हुई चिल्लाती हुई बाहर आईं, कुछ औरतों ने उल्टियाँ भी करी, कुछ औरतें वहाँ से भाग भी गईं। तब हम अंदर जाके हमने देखा तो हमने देखा कि लड़की का पूरा पेट गायब है, लड़की के बदन में से स्मेल आ रही है, लड़की का पूरा बदन नीला पड़ा हुआ है। तो हमें तो सबसे पहला यही शक हुआ कि लड़की हमारी आज मरी ही नहीं है, लड़की हमारी पहले ही मर गई थी। हमसे जो आईसीयू में लड़की को नहीं मिलने दिया जा रहा था वो यही वजह थी कि लड़की उन्होंने पहले ही मार दी थी। 24 तारीख को ही एक छोटे से उसमें ऑपरेशन में आप पूरी की पूरी लड़की ख़त्म कर देते हो बिना कुछ बताए फैमिली को। और कोई ऐसा मेजर अगर ऑपरेशन था तो हमें बताना चाहिए था, फिर हम उसको देखते, हम या कहीं और लेके जाते या किसी बड़े अस्पताल को दिखाते, बड़े सर्जन को दिखाते। ये मतलब कहाँ का तरीका है कि आप किसी भी लड़की का उल्टा सीधा ऑपरेशन कर दो फिर उसको जान से मार दो। तो ये सब प्रतिक्रिया होती गई। उसके बाद में हमने कंप्लेंट करी, मौके पे तीनों थाने के SHO भी आए, SCP साहब भी आए, सारी चीज़ें आईं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे साथ कुछ लोग आए, उन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन लोगों ने अपने जिस जिसकी जहाँ जहाँ पर बात थी लोगों के कॉले आईं, सब आईं, सारी चीज़ें आईं। उसके बाद में जाके उन्हें GTB शिफ्ट कर दिया। GTB के बाद फिर कल यहाँ पर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में उसके पोस्टमार्टम के लिए कल यहाँ पर लेके आए। अभी जो है पोस्टमार्टम स्टार्ट होगा, सुबह 8 बजे का टाइम दिया था लेकिन अभी तक शुरू कि सुबह 8 बजे आप आ जाना, 8:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो पोस्टमार्टम स्टार्ट हो जाएगा, मगर अभी तक कोई पोस्टमार्टम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जिस अस्पताल की आप बात कर रहे हैं उनके खिलाफ अभी तक कुछ कार्रवाई जारी की गई है, फिर पोस्टमार्टम के बाद ही होगी? नहीं नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक, ना किसी कोई अभी तक उनसे पूछने भी नहीं गया है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है। कल एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ सिरे से ही नकार दिया कि इस नाम की कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट ही नहीं हुई हॉस्पिटल वालों ने। अब हमारी ये डिमांड है कि लड़की का पोस्टमार्टम हो जाए, रिपोर्ट आ जाए। इन्होंने कहा है कि भाई पोस्टमार्टम के बाद हम लड़की आपको दे देंगे, पर लड़की हमें अभी नहीं चाहिए। हमें जब तक इसका क्लियर नहीं हो जाता किसने इसके साथ गलत किया है या क्या हो जाता, हम इस बॉडी को यहाँ से कहीं नहीं ले जाएंगे। हाँ, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, हमें हमारे सामने उसी चीज़ का खुलासा हो जाए कि लड़की के साथ हमारे साथ इतना बड़ा जो किसी ने कांड किया है वो आखिर किस बिना पे किया है या किस वजह से किया है। फूल जैसी बच्ची थी हमारी, मासूम बच्ची थी, 15 साल की, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो अब पोस्टमार्टम स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में रिपोर्ट आ जाती है, वो हम आपको दिखा देंगे। रिपोर्ट सर क्या बोला है, कब तक आएंगी रिपोर्ट? जब भी आएंगे वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। इस बात की जानकारी हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनकी काफ़ी वो है, डॉक्टर भूपेन चौरसिया साहब आए हुए हैं। तो देखिए फिलहाल हम 15 वर्षीय सानिया के परिजनों के साथ जुड़े, जिनका ये कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता वो यहाँ से शव को लेकर नहीं जाएंगे। उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द ये सिद्ध हो कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ है। देखिए मामला जो है काफ़ी ज़्यादा संगीन बनता जा रहा है, अगर हिंदूराव अस्पताल ने ये सब किया होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करता है उस अस्पताल के प्रशासन के ऊपर कि आखिरकार एक अस्पताल में इस तरीके का व्यवहार किसी भी मरीज़ के साथ कैसे किया जा सकता है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।